जड़ कढाई दे भाई शाली ने बोलना को नहीं सही एकदम क्या पता था भाई जाना पड़ेगा मैं जाना को नहीं था मैं तो राम राम जी सारण है और कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। राम राम जी मेरी और तेरी सारे बहन भाई है ना उम्मीद करते हैं भाई आप लोग सारे जने ठीक होंगे। भाई प्रिया बापा जा रहा मेरा जी को लाग रहा न्यू घर न्यू खाली खाली सा लाग रहा और भाई मैं तो नहीं घूमता मैं तीन चार दिन और रुक जाओ। तो भाई आपने पता ही है भाई प्रिया के नाम मैंने जमीन किराया दिया है हमारे घर में सब सौदा ठीक हो गया है। और भाई आज मेरी मम्मी मरता मेरी मम्मी बता आज मैंने पीछे जूर थी आज मेरी मम्मी तो मैंने पीछे ले पीछे देखूंगी देवी देवी का ले रहे नहीं चल दे देंगे हाँ, लेने भी है कितने है कितने जी तो ऐसा करते हैं बस ये कुछ नहीं कहा जानता बस ये ठीक है। बाबा मैंने गलती का एहसास है इस टाइम बहुत ज्यादा गलती देखूं तेरी गलती डंडे दे ले करूंगी तो तेरे हां मम्मी पता पीछे लिए मैं भाई ये पीछे मैंने ले है मम्मी पता सब के सामने ही लेने लाग रहे न्यू न्यू भाई लोगों का ले हूं ठीक है। इसमें मेरी मम्मी की सारी स्कूल की मेहनत है भाई प्रिया के ने भी ले है और भाई प्रिया पापा से बताओ प्रिया के पापे ने भी 10,000 इन में रड़ाए हैं हरी बाल ते जितने भी हैं ये बाप लोगों ने बतावा भाई ये पीछे आज मन ने मैं क्यों दे रहा हूँ हाथ में ठीक है। ये मैंने कहीं जाना प्रिया ने मन ने तो ये आप लोगों को सब पता चल जाएगा आप लोग प्लीज एक बार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पहले ही गाड़ी मत देना सारी बात सारा सौदा मैं ठीक कर दूंगा हां ठीक है। नहीं न्यू नहीं है भाई मैं पर गलती हुई है बबी ता मन्ना न्यू गलत काम कराया करे थे मन्ना न्यू हां ये मन्ना एहसास हो गया तो भाई सारी पहले ही गाली मत देना मत जाना कमेंट करके पहले एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने इस इंसान को ये पैसे क्यों दिए है कुछ मजबूरी में दिए कोई शौक नहीं है। चलो भाई जीव रोन लग रहा है तो मैं उसने लिया हूं अंदर गिन रखे मैंने इतने धोखेबाज इंसान को नहीं मैं तो तेरे के लिए धोखा करूंगा तू धोखा कर सकता है पर मैं जाओ पे राम राम का जाइए गाड़ी लेके चल रहा हूं शायद उठा हां चल जा लग जा जा गाड़ी ले आ रे अंदर ले तो गाड़ी में चलो राम तो भाग जा रे डंडा देख लिए कभी जा भगदा हां घूम नहीं कर रहा हूं क्यों कान में ली गड़ा मैंने निकड़ा लिखड़ू की में बहुत तंग कर के तना मैं कर दूंगा आदि जाओ हम मैं तो कपड़े भी मत ले यही ठीक है कोई बात नहीं बतेरे तो ठीक है अपना जाओ अपना काम तू नहीं आ देंगे दीपू ने दीपू भी ले जाना पड़ेगा गुन्नू तो यूं मानता ही नहीं कह लग रही उरी रह ले ना बात कोई मान ना दे आने गल्ला जाए करने के बारे क्यों हट लग गई ठीक है दीपू चाची रहेगी भाई दीपू ने चाची बोली थम तो किसी मर रही नौ दी भी नहीं चाची लेगी मान लेगी मैंने एकदम क्या पता था भाई जाना पड़ेगा मैं जाना को नहीं था मैं तो बर्तन मांग के बाहर आई थी मैं कल दी बुले नुआऊंगी वो पानी भरूंगी गर्म पानी आएगा तो सच्ची जाना है गई तो बड़ा कोई रो नहीं रही वो सो होगा गुरु बात कुछ करो चाहे ना करो पानी की बोतल जड़े कड़े भी जान दे सबसे पहले ठा ली मैंने तो कहा अभी नहीं कि पानी की बोतल के मैंने कह रहा है एक दिन मैं पानी और कटोरी इधर एक रो बच्चा उधर की ध्यान रखा रे प्रेम मम्मी मैं चल मम्मी यू डंडा कर डंडा भी ले जाएगा हां क्यों तेरे लिए मैं जाऊंगा तो जा आया अरे लिए देखेंगे नो आज बनी रैली बेटा दे दे रे मेरी बात मानता ही है कट्टी अट्टी बट्टी सब दे को एक तो बहुत थोड़ा दर्द है ठीक है नहीं फिर काटिए दे दिया अपन ठीक है हां ठीक है बहुत तो रिपोर्ट टेक दे मानता को नहीं इतना जिद्दी बच्चा है जी बहुत ज्यादा बोलो जल्दी आ जी आज दूध भी जाना करना मुंह से 2 किलो कोठ दर्द की पैड़ी भी पूछ कर ता के ठीक है जाओ क्या ली मारी लड़की चल पड़ूंगा और मैं राम तो चलाइए फिर भाई शीशा बंद कर मैं हाँ भाई
जल्दी आज था मैं कहा 3 बजे का टाइम दिया था अभी तक नहीं आया था मैं जल्दी जाना था आपने बोला था मेरे को कि जाना फिर मैं गए कर उसका सवेर आया था फोन चाहिए वा इस टाइम फोन चल रहा भाई साली राम थे इसके गले तो बोलने में ही फायदा नहीं है प्यार प्यार थे दीबू तो मेरा बेटी है दीबू इन्हें गागा भेज मैं लो सीट पे बैठेगा यू बस बस ठीक साली तो जमान हुआ गया स्टोव सा साली में निशदमा ला के इसका जाड़ कटाई थी भाई साली ने बोलना को नहीं सुना इतना ठीक है अच्छा जाड़ कटाई थी भाई इतनी अकल तो यार सब मत जा भाई जब जाड़ खड़ा हो बंदा तो बोलना को नहीं होता अच्छा ठीक फिर तो हम इसकी कटाई दे रहे 2-4 जाड़ या ज्यादा बोला है यहाँ पे जिसका इंतजार है कोई नहीं आ जाएगा इतना खड़े रहो खड़िया आ जाएगा 10-15 मिनट में इसका काम इसे बुद्धू भी बना देगा ये तो भाई हम आ गए थे शहर से यार जल्दी आ गए थे और वहाँ भाई हम वीडियो नहीं बना सकते थे उसके लिए माफ़ी क्यों भाई और जल्दी काम था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था वीडियो बनाते थे इसी वजह से ना जाते कहीं बाकी वीडियो नहीं बना सकते तो भाई हम जल्दी आके फिर मैंने आकर जल्दी जल्दी रोटी बनाई क्योंकि मम्मी को परेज मम्मी को कुछ काम नहीं करना और मेरे दादी ने भाई यहाँ सब्जी भी ले ली थी देखो इतनी चिंकी यहाँ ले रखी और ये बढ़िया सी घर की तोरी ले रखी है ताजी है आज ही तोड़ रखी दादी ने बोला मैंने सब्जी भी ले ली पर मैंने अभी कुछ नहीं बनाया चाची बोली मैंने तोरी बना रखी है दूसरी चाची बोली मैंने फलियों की सब्जी बना रखी है आलू की मर गए ले लीजिए मगर खाना रही थी मैंने वो थोड़ी सी चौमिन खा ली थी जब बच्चे मैं तो उल्टी रख हो गई बाहर खाना भी खा लिया मेरे देवर को नहीं मानिया एक तो उसकी जाड़ कटा रखी उनका बाप भी मन कर रहा मेरा चौमिन खाने का मगर चौमिन को नहीं खाई का थोड़ी सी खा ली थोड़ी मैं गुनगुआ उसने तो मान नहीं फिर मैं खा ली थी वो देखियो गुनू ने भी छोड़ दी अपनी चौमिन दादी ने मैंने पहले ही दी थी वो भी तो दादी तो ही खा मेरी दादी ने मैंने दी थी वो भी दादी ने खा ली थी दादी बोली बहुत बढ़िया लगी है कोई चैन पेट दे गया कोई लोड नहीं मुझे कहेंगे भी पता दादी के बात मैं थोड़ी भी जाऊँगी सब में दर्द क्या होगा कल गई थी अपने पापा के दर्द भी इतना सर में दर्द कड़ी भी चाहो नहीं पता नहीं क्या यू भी एक दिमाग अरे कल भी मैंने गोली ली थी और आज भी मैंने पक्का लेनी पड़ेगी मेरे साल ही नहीं होता इस सर में दर्द मेरे तो बहुत हो क्या नहीं रहा तो देखा कल
दादी की चप्पल भी लिया नहीं थी, लगा दी अपनी चप्पल पहन मेरी दादी को, ये चप्पल पसंद को नहीं। और जो दादी की चप्पल आई थी भाई सावन में आई थी, वो दादी दादी ने चाची को दे दी, दादी के वो छोटी थी एक नंबर, तो एक दादी की चप्पल यानी आज भाई काम इतना ज़्यादा था, याद दे नहीं रहा कुछ भी। अब बस न्यू अब एक बार काम बन जाए अपना तो सारे काम फिर बाद में आराम आराम से हो जाएंगे। काम भी जरूरी है पर ये काम भी जरूरी था, दादी की दुआई को याद दे नहीं रही है सारी बीबी को। भाई हम बाजार से तो जल्दी आ गए थे, उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा घर का काम किया। देखो घर का काम तो अब बहू हूँ भाई, करना ही पड़ा है। अब सारा काम करे ही, बर्तन मांज के फ्री हुई हूँ। डुब्बू मैंने सुहा दिया, कनिष्क सोया को नहीं। कनिष्क बोले मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कोई बात नहीं खेल ले तो, क्योंकि कल इसकी छुट्टी है तो भाई खेलना ही रहा पड़ा। अभी मेरे पापा का फोन आया था, हाँ बेटा एपी एपी ने रहने परेशान नहीं कर, तो भाई याद सी आ रही, अजीब सो रहा मेरे भी पापा, मतलब दो दिन रहे भाई तो अच्छा सा फील हो रहा। मेरी मम्मी का फोन आ रहा था और मेरे चाचू का भाई फोन आ रहा था, वो बोल रहे थे पहले मतलब आने की मेरे चाचू और मेरी मौसी को ही थे, ये बापू होंगे चाचू और मौसी, तो जो मेरी चाची है नहीं वही मेरी सगी मौसी है, तो मैं उन्हें मौसी कहूँ और चाचू ने चाचू कहूँ, चाची को नहीं कही जानी मेरे पे। तो भाई मेरे मौसी आने की कहे थे, पर अभी घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है भाई। मारे उड़े हैं हिमाचल में, देखो मक्की भी तोड़नी है, मक्की पक रही है, टमाटर भी लगा रखे साथ में, तो वो बोले भाई हम बिजी अभी, तो मेरे पापा ही आ गए तो बहुत अच्छा लगा, पापा भी आए थे। पर मतलब मैंने ज़्यादा इंतजार चाचू और चाची का था, मेरी मौसी का था कि वो आएंगे, पर मेरे पापा आ गए उससे बहुत खुश हुई मैं। वो फिर कभी आ जाएंगे भाई, बेटी की आना जाना लग ही रहा है और मतलब अजीब सो रहा। तो फिर मेरी मम्मी तभी थोड़ी सी बात करी, अपनी दादी तक बात करी, आप सारे तक बात करी, दिल खुश हो गया। मतलब थोड़ा सा अपनी बहन तक बात करी, भाभी तक बात करी, भाई जो मेरी बहन भतीजी वास्ते कपड़े ले गया था, मेरे पापा मुझे पसंद आया कि नहीं है, तो मेरे भतीजी ने तो बहुत पसंद आया, पर मेरे भतीजे ने पसंद को नहीं आया। मगर कोई बात नहीं, बच्चे तो नहीं हुए हैं, आपको पहन लेगा, शादी है भाई अभी हमारे वहाँ, तो मेरे को भी बुला रहे हैं कि थोड़े दिन बाद शादी है, एक महीना सारा रह गया शादी का। मगर भाई मैं तो आ नहीं सकती हूँ भाई शादी शुदी के लिए, फिर गई थी मैं जब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, कभी स्कूल के काम नहीं कर, तो भाई गई थी तो अभी शादी के लिए तो जा नहीं सकती हूँ। मगर कोई बात नहीं, तो मम्मी बोले कि हमारे बुढ़ी दिवाली हुआ है, चलो उस दिवाली आने वाली है, जो दिवाली आ गई उसके एक महीने बाद हमारे दिवाली फिर मनाई जावा, बुढ़ी दिवाली कहीं करें मम्म उसने जब देखेंगे जब जा सकेंगे, अभी पक्का कुछ नहीं। और आज ये मच्छर से इतने ही हो रहे छोटे छोटे मच्छर, जीरी कटन वाली हो रही नहीं तो इस करके मच्छर बहुत ज़्यादा हो हैं, और रात ने सोन भी नहीं, मच्छर हो रहे बेटा बहुत ज़्यादा। और भाई आप लोगों से एक और बात बताने, आप लोगों से मैंने कहा था मेरे पति तमाम ने पीसे दिए हैं, मेरी मम्मी ने भी कुछ इकट्ठे कर रखे थे, मैंने भी कुछ इकट्ठे कर रखे थे, और 1500 मेरी दादी ने भी दिए थे भाई, हम तीनों ने मतलब पैसे इकट्ठे कर करके। वो क्यों दिए आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो भाई वो पीसे जो यू कर रहा है ना मेरे पति ने इसका बयाना ले रखा था, तो क्या बोलते हैं वो न्यू कर रहा है मैं इस घर में बेचूंगा, तो भाई इस घर में मम बेचन को नहीं दे, तो उनके मन ने अपने पति ने दे दिए पैसे, जितने पैसे लिए थे उल्टे पैसे दे दो उनते, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी भाई मन मेरे पति ने कि भाई गलती होगी जो आप पता भी ना, घर की सलाह ले, घर वालों की सलाह ले, मैंने पैसे लिए तो मेरे पति ने माफ़ी मांगी और उनके पैसे मैंने मेरे पति से दे दिए थे कि आप उल्टे दे दो, जोड़ जाड़ कर जोड़ कर रखे थे, क्योंकि भाई ये घर बिकेगा मम कहाँ जाऊँगी, और मेरे बच्चे वो घर तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगे, 5 साल लगे बनने के लिए, पैसा हो तो 6 महीने लग जाए, अब कोई पता नहीं है भाई टाइम का। बस ये है कि दुख बीमारी से ठीक रहो तो भगवान चाहो तो जल्दी बन जाए, पर आज भाई उनके पैसे मैंने दे दिए, या टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो जोड़ संगोल के जो कर रखा था, जो भाई थोड़े से बहुत यूट्यूब के पैसे आवा उस पर भी थोड़ा मतलब नहीं, चलो कोई बात नहीं, जोड़ तो अपने बच्चों के लिए जो ना उनका भविष्य बनाना, पर मेरे पति में पता नहीं कब अक्ल आएगी। अभी मेरे को आप लोग ना चाहे कुछ मर्जी करो गाली दो, पर मैं अपने मन की बात कर रही हूँ, मैंने इतना विश्वास है नहीं अपने पति पर, क्योंकि इंसान विश्वास हो ही नहीं सकता। तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।